नमस्कार वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग मेरे प्यारे दोस्तों नया दिन है नई बात करेंगे कल चाहे हार के सोए थे आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों आज आपके लिए जो मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो है कंप्यूटर की महामैराथन मैंने इसमें लिखा भी है पढ़ो वो जो पेपर में आता है ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में कुछ भी ऐसे पढ़ रहे हैं लेकिन आजकल वो एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा तो मैं आज आपके लिए स्पेशल एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हरियाणा मैंने कंप्यूटर के पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वन लाइनर की फॉर्म में इंग्लिश मीडियम में समझाऊंगा और हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ नोट्स फॉर्म में वो हम करेंगे ठीक है और दूसरा खासकर एच के लिए और जो बच्चे आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो मेरी सीरीज है वो रामबाण साबित होगी ठीक है इसमें बड़ा सिलेक्टिव कंटेंट है और एग्जाम में आने वाला कंटेंट है आप प्लीज इसको मिस मत करिएगा और बड़े ध्यान से पढ़ने अपने ठीक है स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं चलिए इसके स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मैंने सब कुछ इसको नोट्स फॉर्म में बनाया है ताकि आपको कुछ भी लिखना ना पड़े आप जस्ट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन है यहां पे कि पहली चीज है हमारी कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक कंप्यूटर को हिंदी में बोलेंगे संगणक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी बिजली से चलने वाली डिवाइस है जो अव्यवस्थित आंकड़े अव्यवस्थित आंकड़ों को बोलते हैं डाटा अव्यवस्थित आंकड़ों को क्या बोलते हैं डाटा बच्चे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अंडरलाइन कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है ठीक है आप वो देखिएगा अव्यवस्थित आंकड़ों तथा तथ्यों को प्रोसेस करता है और सूचना यानी इंफॉर्मेशन में चेंज कर देगा ठीक है मेरी बात और जो रिजल्ट होगा ना उसको डिस्प्ले या प्रिंट कर देगा यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा लेगा उसको प्रोसेस करेगा और इंफॉर्मेशन में दे देगा क्लियर है अगली चीज हमें ये पूछ रहा है कि जो आंकड़े है या जो तथ्य है उसको बोलते क्या है उसको बोलते हैं बच्चों डाटा उसको क्या बोलते हैं डाटा अव्यवस्थित आंकड़े को रो फैक्ट एंड फिगर को क्या बोलेंगे डाटा बोलेंगे क्लियर है अगली चीज हमें यह पूछ रहा है ये ये आओ अव्यवस्थित आंकड़ों तथा तथ्यों को प्रोसेस करके जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं अगर आप उनको प्रोसेस कर दोगे तो जो हमें मिलेगा उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं सूचना और अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सूचना को क्या बोलेंगे इन्फॉर्मेशन क्या बोलेंगे बच्चे इन्फॉर्मेशन बच्चे ये जो पीडीएफ है ना जो आज मैं करा रहा हूं ये नोट्स आपको ये जब हरियाणा का कमांडो का एग्जाम था तब मैंने बच्चों को दी थी ये और इतने फायदेमंद साबित हुई थी कि लगभग क्वेश्चन इसमें से थे तो बड़े आप आराम से समझिएगा ठीक है मैं इस एक डेफिनेशन के भी मैंने इतने टुकड़े कर रखे हैं इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप पढ़ते चलिए चलिए कंप्यूटर का अर्थ क्या है कंप्यूटर का अर्थ क्या है जो वर्ड था कंप्यूटर वो जो सबसे पहले लिया गया तो उसका अर्थ क्या था कंप्यूटर का अर्थ था कैलकुलेशन करना गणना करना ठीक है जो कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन के एक शब्द कई बार पेपर में कंप्यूटर आ जाता है या फिर कई कई बार पेपर में कंप्यूटर भी आ जाता है ठीक है लैटिन के इस शब्द में से लिया गया है क्लियर अगली चीज हमें यह पूछ रहा है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होती है जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर कोई भी चीज वो किस रूप में होगी सभी को है सर डिजिटल रूप में यानी जीरो और वन के रूप में होती है क्लियर हुई बात अगला है कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क किसे बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलेंगे सीपीयू को बोलेंगे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्लियर है चलिए आप ना इन, मैं फटाफट करवा रहा हूँ ना आपको जो ये ये आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए साथ के साथ ठीक है ये लो फटाफट ना इसका स्क्रीन भी ले लो ताकि आपको नोट्स ना बनाने पड़े ठीक है सब कुछ मैंने नोट्स रूप में लिखा है आप इसका स्क्रीन ले लो और ठीक है और दोस्तों आप फर्दर हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं और इसकी अगर पी कहोगे आप तो मैं अपने टेलीग्राम पे मैंने लिखा नहीं टेलीग्राम इसी नाम से ही है ई आर अंशुल गर्ग जो टेलीग्राम है वो यही है ई आर अंशुल गर्ग मैं उस पर इसकी पी भी अपलोड कर दूंगा ठीक है आप वहाँ से उठा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है चलो आगे हमको ये बोल रहा है कि कंप्यूटर का पिता कंप्यूटर का पिता किसे बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है चार्ल्स बेबेज है नेक्स्ट पूछ रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा और यूजर यानी चार चीज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा और यूजर इन सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं इन सब के समूह को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम इसको क्या बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम आई बात समझ में नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना के लिए किस पदावली का प्रयोग किया जाता है यानी सीधी सी बात यह पूछ रहा है कि कंप्यूटर में जो स्पीड मेजर करते हैं ना उसकी यूनिट क्या है उसकी इकाई क्या है वो है एम आई पी एस एम आई पी एस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड नेक्स्ट है कंप्यूटर में यूजर द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा को सूचना में बदलकर उपयुक्त आउटपुट प्रदान करता है ये तो किसका काम होता है सर ये तो सीपीयू का काम होता है यानी इनपुट लेगा उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट दे देगा तो ये किसका काम है प्रोसेसर या फिर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पूछ रहा है कि जो लेटेस्ट कंप्यूटर है जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका आधार क्या है उसका आधार है आईसी माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि आईसी कोई तो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर सिपियो बोलते हैं ना तो जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर है वो किस पे डिपेंड करते हैं हमारे आईसी पे इंटीग्रेटेड सर्किट पे करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का अविष्कार कब वह किसने किया माइक्रो प्रोसेसर था ना उसका आविष्कार मेरिकन ने किया नाइनटीन में किसने किया मेरिकन ने किया नाइनटीन में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार चलिए सबसे प्राचीन गणना यंत्र कैलकुलेशन का सबसे पुराना कौन सा था अबैकस जो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते थे वो किसमें करते थे बच्चे अबैकस में करते थे आई होप यहां तक आपको कोई क्लियर है कोई डाउट नहीं है अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आई विल रिप्लाई टू दोस चलिए अगले है एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया जो एडिंग मशीन है उसका आविष्कार किसने किया एडिंग मशीन का किया ब्लेज पास्कल ने किसने किया ब्लेज पास्कल ने ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है ठीक है ब्लेज पास्कल ने भाप से चलने वाली मशीन जो स्टीम से चलता था जो इंजन उसका क्या नाम था डिफेंस इंजन या फिर एनालिटिकल इंजन डिफेंस इंजन या फिर एनालिटिकल इंजन क्लियर है कंप्यूटर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्मी क्लर्क के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना उसमें यह क्वेश्चन बहुत बार आया है ठीक है और एच में भी बहुत बार आया है कि कंप्यूटर के विकास में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में सबसे बड़ा योगदान किसका है जॉन वॉन न्यूमैन किसका है आई बात समझ में यहां तक चलिए विश्व का प्रथम कंप्यूटर कब बना यानी दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना वो बना 1946 फोर्टी इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए एन की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर न्यूमेरिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये है हमारे एन की फुल फॉर्म ठीक है अब अगर आपको किसी भी पी के किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई डाउट लगता है कि सर मेरे अकॉर्डिंग ना इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए तो हो सकता है कि टाइपिंग के दौरान या कोई भी गलती हो सकती है हम भी इंसान ही हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइए ठीक है अदरवाइज आप पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हैं वो मैं ठीक करवा दूंगा ठीक है गलती हो सकती है कोई जरूरी बड़ी बात नहीं है मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको फिल्टर आउट करूं चलिए अगला तो है विश्व का प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑटोमेटिक आ गया ना भाई ऑटोमेटिक आ गया तो याद रखना ऑटोमैटिक किससे स्टार्ट हो रहा है ए से तो ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है ए से यानी ए बी सी बैरी कंप्यूटर एटनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर विश्व का प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगला है पंच कार्ड्स ये कार्ड्स है डे है ये डे पंच कार्ड्स के आविष्कारक हरमन हॉलरिथ जो पंच होते हैं पंचड कार्ड्स पंचड कार्ड्स किसने बनाए पंच कार्ड्स बनाए हरमन हॉल ने किसने बनाए हरमन हॉल ने बनाए चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने बुलियन बीज गणित बुलियन बीज गणित आता है ना बुलियन एल्जैब्रा भी आता है हमारे कंप्यूटर में जो बुलियन एल्जेब्रा है उसका आविष्कार किसने किया उसका आविष्कार किया जॉर्ज बुले ने किसने किया जॉर्ज बुले ने उसका आविष्कार किया साइज के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये तो मैंने आपको बताया था ना आकार साइज के आधार पर इससे जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि आकार के आधार पर कौन से कौन से थे माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर यानी चार प्रकार के थे ये रहा दोस्तों चार प्रकार माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर ट्रिपल एम एस ठीक है चलिए कार्य के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं यह भी मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है कि कौन से कौन से थे, थे तीन प्रकार सबसे पहले था एनालॉग कंप्यूटर दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा था हाइब्रिड कंप्यूटर यानी कार्य के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के हुए तीन प्रकार के चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना कौन सा था पहला सुपर कंप्यूटर Kray, बताया था ना मैंने विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था क्रे सी डी सी नाइनटीन में बना कब बना 1979 में बना ठीक है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का बना 1979 में और भारत का ठीक है भारत का पहला सुप्यूटर कब बना 1991 में किसने बनाया सीडेक के द्वारा बनाया गया ठीक है भारत निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर अच्छा सुनो कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है काट देगा वो तब तो भी सिद्धार्थ करना अगर वो पूछते भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर तो भी कौन सा होगा सिद्धार्थ होगा आई बात समझ में अगला है माउस का आविष्कार किसने व कब किया माउस एक इनपुट डिवाइस है ठीक है डगलस कॉल एंगल बर्ट ने एक बार काल काट देता है बीच में से तो खाली डगलस एंगल बर्ट दे देगा वो डगलस एंगल बर्ट ने किया 1963 में राइट माउस का आविष्कार किसने किया डगलस एंगल बर्ट ने किया दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि जो वो है ना हिंदी वाली वो इंग्लिश वाली है सेम बस उसको हिंदी में लिखा हुआ है ठीक है तो चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है ये बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है बट जितना मैं कराऊंगा ना ये आपको ये तेईस चौबीस पेज हैं वो आपको करने हैं उसके बाद में आप यूँ मान लीजिए आपके एक पूरे कंप्यूटर की रिविज़न हो जाएगी जब भी आपका कोई एग्जाम हो वीडियो को उठाओ और रिवाइज कर जाओ और अगर किसी बच्चे को थोड़ा कष्ट लेना हो तो अपनी कॉपी में उतार लेना इसको अदरवाइज मैं इसकी कुछ फोटोज जो भी हैं पीडीएफ टाइप वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आप वहां से देख लीजिएगा कोई डाउट है मेरे को आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं अदरवाइज टेलीग्राम तो है ही उन सभी के लिंक्स क्या हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है देखो माउस का ये कर लिया हमने एक सामान्य कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं एक सामान्य कीबोर्ड में भाई सामान्य कीबोर्ड में होते हैं एक सौ चार ये मैं आपको डिटेल में बताता हूं ये चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूं ठीक है देखो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होने दूंगा ये वाला तुम्हें देखो देखो अगर वो ये पूछ ले कि प्रेजेंटली कितने बटन होते हैं प्रेजेंटली कीबोर्ड में कितने बटन हैं? तो 104 आएगा आंसर अगर 104 ऑप्शन में ना हो तो आप करके आना 102। अगर 102 ऑप्शन में ना हो तो आप करके आना 101। तब आप क्या करके आओगे 101 करके आओगे 101 करके आओगे ठीक है ठीक है अगर वो पूछ ले कि पहले कितने होते थे अर्लियर कि जब कीबोर्ड बना तब उसमें कितने बटन थे तो आंसर आएगा आपका 84 क्या आंसर आएगा आपका 84 आएगा और अगर ऑप्शन में 84 ना हो तो आप क्या करके आओगे आप करके आओगे 83 आप क्या करके आओगे 83 ठीक है आप क्या करके आओगे इसमें 83 करके आओगे पहली चीज क्लियर हुई अब अगर वो आपको बोल दे कि जो लैपटॉप आते हैं विंडो के लैपटॉप विंडो बेस लैपटॉप जो आते हैं आपके विंडो बेस लैपटॉप उसमें कीबोर्ड में कितने बटन है तो विंडो वाले लैपटॉप में जो है वो 86 बटन है कितने हैं 86 ये कंफ्यूजन दूर कर लेना सारे अपनी प्रेजेंटली 104 चार ना मिले तो दो दो ना मिले तो एक पहले कितने होते थे 84 ये ना मिले तो 83 विंडो के लैपटॉप में 86 बात क्लियर है आगे देखो अगर वो आपको यूं कह दे कि जो एप्पल का कीबोर्ड आता है अगर वो आपको यूं कह दे कि जो एप्पल का कीबोर्ड आता है एप्पल कंपनी का जो कीबोर्ड आता है उसमें कितने बटन हैं, तो उसमें होते हैं 109 बटन कितने होते हैं 109, ये दो कितना दिख रहा है 109, क्लियर हो गया अब जो एप्पल के मैकबुक आती है एप्पल की जो मैकबुक आती है मैकइंटोश जिसे बोलते हैं जो एप्पल की मैकबुक आती है उसमें कितने बटन होते हैं एप्पल की मैकबुक में होते हैं 78 बटन आई बात समझ में एप्पल की मैकबुक में कितने होते हैं 78 बटन तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टोटल कीबोर्ड में बटन 104 क्या था 83 क्या था 86 क्या है 109 क्या है और 78 क्या है क्लियर है तो अच्छे से समझ में आ गया ना ये कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं एफ वन से लेके एफ ट्वेल्व यह अपने निपट रखे है ना और एफ वन किस लिए काम आती है दोस्तों एक बार ये और बताना मेरे को जो एफ वन होती है ना वो आती है हेल्प के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एफ वन आती है हेल्प के लिए और जो एफ फाइव है वो आती है रिफ्रेश करने के लिए किस लिए आती है रिफ्रेश करने के लिए तो दोस्तों आज की बात को हम यहीं तक रखते हैं हम डेली करेंगे ये सीरीज ठीक है ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से इसको याद करेंगे आपने मुझे सुना आपने मुझे देखा उसके लिए धन्यवाद सुनते रहिए समझते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एजुकेटिव लगी हो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सीरीज के साथ बच्चे जुड़ सके और बेनिफिट उठा सके लाइक करें कमेंट करके ये बताएं आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ठीक है आप लोग को सुनने के लिए थैंक यू सो मच दिस इज अंशुल गर्ग साइनिंग off bye bye take care